वही लगा यार, ये वेज हाका नूडल्स हमने क्यों खरीदा, और अगर खरीदा भी तो एक पैकेट क्यों खरीदा, क्योंकि एक पैकेट में हमारा कुछ नहीं होने वाला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज पूजा। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आई एम व्लॉगिंग टुडे। आज बहुत सारे काम है। पहले तो वर्क डे है तो ऑफिस का काम तो चलेगा ही। आई बी गोइंग टू विशाल मेगा मार्ट। गौतम ने कहा कि वहाँ पे भी ठीक ठीक से कर्टन्स मिल जाते हैं, तो आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड, मुझे नहीं लग रहा है वहाँ मिलेंगे। I think I'll have to go to a mall or something, but let's see. I don't have that kind of budget right now because I'm saving. Next month मेरा birthday है, next to next month actually, but अगर जुलाई बिल्कुल पास आ गई है तो I will consider that कि मेरा birthday आने वाला है। तो या August 30 को मेरा birthday है, so I am trying to save for it. And yeah, so without any further ado, I'm not gonna ramble in this vlog. Let's get started. Quite excited, scared too. Delhi में lockdown is getting better. Like even the restaurants are now open with 50% capacity. Markets खुल चुकी हैं and we just need to take care of ourselves. We are going to take proper precautions before stepping out of the house. So yeah, I'll now just go and enjoy my shop. So guys, we are finally here at Vishal Mega Mart. We have heard a lot about it, but हम कभी भी यहाँ से शॉपिंग नहीं करते हैं। Now let's just go inside and see अगर हमें घर का कुछ सामान यहाँ मिल जाता है। We love grocery shopping. घर का सामान खरीदने में हमें अलग ही मज़ा आता है। No offense to people who shop from here, but I did not like their collection much. कुछ कपड़े अच्छे थे क्वालिटी वाइज भी और रेट वाइज भी, but most of them were like one wash में ही खराब हो जाने वाले। Going to their चखने वाला साइड, I think they have good discounts going on these products. If you are looking to get some ration for your house, then you can probably visit Vishal Mega Mart. मुझे बिग बाज़ार से तो सस्ता लगा ये honestly. So Gautam was right कि हाँ ये बिग बाज़ार से काफ़ी चीप है। Curtains, bed sheets and all I did not like much. Bed sheets में कुछ brands ऐसे थे जो you can still buy, but curtains तो is a big no for me. मेरी भी घुट रही है, एसी भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। कौन सा पक्का ये ले लेता, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है, वो वाला ये हाँ ये वाला। हाँ तो ये उठाना, यही तो उठाया था हमने पहले। हाँ तो ये फिर मेरे को कंफ्यूजन हो गया था ना पहले। ओके दिस आल्सो लुक्स नाइस। हाँ सही है। ले लो एक, ये वाले नहीं अच्छे लग रहे क्या? ये ले लो फिर भाई। हाँ तो ये अच्छे लग रहे हैं, ये तो वो नहीं लो फिर। कौन सा? ये जो देखो, ये स्ट्रेट वाले। जल्दी बताओ यार। आई लाइक दिस वन और दिस वन। ये वाला, ये देखो एक बार, ये वाला या वाइन ग्लासेस लेते। ये देखो यार एक बार, ये वाला देखो। मैं वही ले लेता हूँ। हालत देखो, इतनी गर्मी। कोई कपड़े कर्टन्स नहीं मिले, बट हमने एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा रैंडम शॉपिंग कर लिया है। आई विल बी शोइंग यू एवरीथिंग वंस आई रीच होम। एंड एसी नहीं चल रहा था गाइज, आई मीन आई थिंक मॉल्स में एसी अभी भी नहीं चल रहा है, तो एसी वाज़न्ट देयर एंड एवरीथिंग एल्स वाज फाइन। पीपल आर वॉचिंग मी। आप देख सकते हो मुझे लोग कैसे घूर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये भाई ये द्वारका की गलियों में कौन सी लड़की व्लॉग कर रही है। तो वी बॉट सम अमेजिंग स्टफ अंडर अ गुड प्राइस। सो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। अब हम जाएंगे कुछ पिएंगे सबसे पहले। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई कांट हेल्प इट। सो आई विल सी यू गाइस व्हाइल हैविंग अ ड्रिंक नाउ। तो गाइस हम जनकपुरी की सीसी ब्रांच एसबीआई के बाहर वाली शिकंजी पीने जा रहे हैं एंड आई जस्ट शो यू। शिकंजी वाले का नाम है रतन दी शिकंजी। कैसी है? तुम बाल कब कटवा रहे हो? अगले साल। यार सच बताओ अगले साल। तुम्हें अच्छा लग रहा है सुबह? तुम देखो देखो। अभी जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक अच्छे नहीं लगेंगे। ये इन प्रोग्रेस है। गाइस कैन यू प्लीज हेल्प एंड कमेंट डाउन बिलो और बताओ कि गौतम के बाल कैसे लग रहे हैं। क्या उसको हेयर कट कराना चाहिए? क्या क्या बोला? आई एम फाइनली बैक फ्रॉम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रैंडम शॉपिंग। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी कि आई एम एक्चुअली थैंकफुल फॉर लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम कि बाहर ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा। क्योंकि कैब्स में मुझे याद है पिछले साल जब हम ऑफिस जाया करते थे तो कितनी गर्मी होती थी। एसी कैब्स के एसी चलने बंद हो जाते थे और ओके दैट इज़ अ स्टोरी फॉर अनदर डे। तो नाउ आई क्विकली शो यू गाइस कि मैं क्या लाई हूँ। एज यू कैन सी मैं आ चुकी हूँ अपने घर के कपड़ों में जो बहुत ही ज़्यादा रैंडम और कंफर्टेबल होते हैं। आई हैव सैनिटाइज द होल बंच ऑफ थिंग्स दैट आई हैव गॉट फॉर माई हाउस। वेंट टू विशाल मेगा मार्ट, इट्स इन द्वारका और जनकपुरी के बीच में। आई थिंक डाबरी या आई डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन एंड पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गौतम से पूछ के मुझे पहुंचते कैसे हैं पता है बट उस लोकेशन का एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो विशाल मेगा मार्ट आप कहीं पर भी जा सकते हो। आई थिंक दे हैव देयर ब्रांचेस एवरीवेयर इन दिल्ली। आई शो यू व्हाट ऑल आई गॉट। फर्स्ट थिंग इज दिस बीकानू का पैकेट। These three are for 50 rupees. Next is 90s के बच्चों का फेवरेट बट और कुछ बच्चों को भी पसंद है लिटिल हार्ट। इज इट्स ऑफ द सेम रेट 20 का मिला होगा। वी गॉट सम फेवरेट ब्लू कॉन्डी नींबू पानी फ्लेवर। मेरे को ब्लू कॉन्डी पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है बट मैंने गौतम से पूछा यू वांट टू बाय ब्लू कॉन्डी एंड ही वाज लाइक यस। और वो यस वाज आउट ऑफ अ प्लेस। जब हम गर्मी में बिना एसी के शॉपिंग कर रहे थे तो ऑब्वियसली उस टाइम पर मैं उसको ये भी बोलती ना कि तुम्हें ठंडा कुछ भी पीना है तो वो हाँ कर देता। तो आई जस्ट वेंट विद ब्लू कॉन्डी। आई एम नॉट श्योर ऑफ द रेट या हमें कितने का मिला। आई पुट इट हियर समवेयर। नेक्स्ट अप वी हैव इज रूहअफ़ज़ा। पीजिए रूहअफ़ज़ा पिलाइए। सो लाइक दिस इज अ मस्ट समर सीजन में। तो आई थिंक ये तो सेम रेट पर ही मिला होगा। 150 का होता है वैसे, एक ज़माने में कि 50-60 रुपये का आता था बट अब ये 150 का है एंड ये तो यार मस्त है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आइटम्स दैट वी डिड नॉट प्लान टू बाय, दैट वी डिड नॉट नीड बट क्योंकि मैं और गौतम साथ में गए थे शॉपिंग करने और हमें अपने घर में चीज़ें खरीद के रखने का बहुत शौक है। सो या आई विल शो यू व्हाट ऑल वी गॉट। व्हेन डिड वी बाय दिस? ओह this is the free item we got. so yeah, veg hakka noodles from first crop. this is what we got for free. मुझे वही लगा यार ये veg hakka noodles हमने क्यों खरीदा और अगर खरीदा भी तो एक पैकेट क्यों खरीदा क्योंकि एक पैकेट में हमारा कुछ नहीं होने वाला होता। तो yeah, this is something we got for free. मुझे याद आ गया। we got this serving spoon. हमारा एक मेलामाइन का डिनर सेट है जिसका एक स्पून गौतम तोड़ चुका है पता नहीं कैसे। हाउ आई मीन वो मेलामाइन भी ब्रेक कर देता है पता नहीं कैसे करता है बट या तो उसी से मैचिंग कुछ हम ये खरीद के लाए हैं। वी गॉट इट फॉर 30 रुपीज़। इसका ओरिजिनल प्राइस 50 था विच आई थिंक शुड नॉट बी इट्स ओरिजिनल प्राइस बट वॉट एवर वी गॉट इट फॉर 30। आई थिंक दिस इज नाइस। नेक्स्ट अप वी हैव आर दीज 3 कॉफ़ी मग्स। आई विल शो यू। पहला वाला ये है, मुझे इसकी क्वालिटी इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई बट आई जस्ट गॉट इट क्योंकि ये हम वैसे भी तोड़ते ही रहते हैं और as far as I can check 29 में this is a very decent product. I sort of liked it. मुझे green tea और जो ये काढ़ा वाड़ा हम पीते हैं उसके लिए mugs चाहिए थे। पीने में मज़ा आता है और aesthetics, you know. Second is what Gautam selected, as usual, boring color, brown and yellow. So this is what he selected for himself. 29 again. Third one is again colors, you guys. It matches with my phone cover. Abhi dikh raha hai mujhe. This is again for 29, and I think this is nice. Wanted to buy coffee mugs since very long. 6 के जो pack आते हैं. I saw these 2 sets of coffee mugs and I loved it. I'll quickly show you. Are selected by Gautam. और इसका price सुन के guys आप खुश हो जाओगे. 199 इसका MRP उन्होंने लिखा हुआ था and we got it for 99. It's not even 100 you guys. 99 में we got 6 coffee mugs and it's फॉकी 99 के लिए तो मेरे को एक ही लेके तो शांति नहीं मिलती, तो मैंने अपनी मॉम डैड के घर के लिए भी एक ले लिया है एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट फॉर देम. तो नाउ विल डिसाइड कि कौन सा उनको देना है, कौन सा खुद रखना है. 99 में ये एक और मैंने ले लिया एंड आई थिंक इट्स अ स्टील डील. लास्ट एंड द फाइनल आइटम दैट आई गॉट बिकॉज आई लव ग्लासवेयर एंड दीज आर समथिंग जो मुझे बहुत टाइम से लेना था. I was looking for rounded shapes glasses and I think this one is again a steel deal. Is the shape I was needing to buy since so long. Isn't this pretty? Also want to buy wine glass. मुझे वो पसंद आ गया है, मेरे दिमाग से नहीं जा रहे. So it means that thing has started haunting me already. मुझे खरीद लेने चाहिए थे. They were originally priced at 595 and we got it for only 299, which I think is quite decent for 6 plus 1 है. So these are like 7 glasses and 7 glasses for 300 is perfect. That's what I feel. Vishal Mega Mart का जो परसेप्शन मेरे दिमाग में था वो चेंज हो गया है. 2 AC में चल रहा था तो माइनस पॉइंट्स फॉर दैट. आई एम नॉट श्योर कि ये लॉकडाउन के गाइडलाइंस की वजह से या वैसे ही AC नहीं चल रहा था. तो वट एवर इट इज़, आई थिंक द सामान इज़ प्रिटी गुड. मैंने वहाँ का थोड़ा बहुत फैशन वेयर भी चेकआउट किया बट दैट वॉज अ वेरी बिग नो फॉर मी. आई डिड नॉट लाइक एनी थिंग. और ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है, लाइक मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है हर जगह का. But clothing wise I did not like anything at all. So yeah, that was it for today's video you guys. I thoroughly enjoyed my grocery shopping today. I don't even know whether I'll call it grocery shopping or kya, household shopping if I have to give it a name. So yeah, I loved going out after so long. मज़ा आ गया. अब आपको पता लग गया होगा कि एक मैरिड लड़की की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है. और मैं सिर्फ ब्लॉगिंग और ये सब नहीं करती रहती, घर का काम भी करती हूँ. ये देखो, आई बाय दीज थिंग्स एज वेल. Yeah guys, I hope you like this video. I enjoyed it a lot. कमेंट करके बताना कि गौतम को बाल कटवाने चाहिए कि नहीं कटवाने चाहिए. प्लीज़ अभी कमेंट करके बताओ. आपके कमेंट से मुझे उसको कन्विंस करने का एक और मौका मिलेगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना. Also, if you're on this channel for the very first time, check out all my videos. Don't forget to like, share and subscribe. I make pretty awesome content on all my socials. Follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat. And I'll see you guys in the next one. Bye.